इस वीडियो में बात करते हैं ONGC के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं आज जो है स्टॉक में करीब करीब 1.5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है। और देखिए स्टॉक जो है 5 दिन में यहाँ पे कोई खास रिटर्न बना के दिया नहीं है। एक महीना का बात करें तो भी स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, अगर 6 महीने का बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत 10% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर साल भर का यहाँ पर बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा करीब करीब 60% का रिटर्न अपना इन्वेस्टर को बना के स्टॉक ने यहाँ पर दे दिया है, जो कि साल भर में। देखिए ONGC जितना भी मतलब ये सब शेयर है, BPCL, ONGC वगैरह, तो ये सब क्या है ना कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी ईरान वगैरह इसराइल का थोड़ा सा मतलब इंटरनेशनल चल रहा है, कुछ मतलब फाइट वगैरह लेके, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें उस चक्कर में क्या हो रहा है ना क्रूड ऑयल का। देखिए जैसे क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ये सब शेयर में ऊपर का मतलब प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा तो ये सब के जो है डिमांड जो है घट जाएगा, तो सीधा सा बात है। तो डिपेंडिंग है ये क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि उधर से आके ही ऑयल एंड नेचुरल गैस ये लोग मतलब अपना प्रोडक्ट करता है और कंपनी इस सबसे अपना प्रॉफिट कमाता है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल का जो है मतलब प्राइस वगैरह घटेगा बढ़ेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोग जो है मतलब इसका फंडामेंटल बात कर चुके हैं, तो आज टेक्निकल देख लेंगे। एक्चुअली क्या है कि स्टॉक का जो है मतलब सपोर्ट कहाँ बन रहा है और नेक्स्ट टारगेट क्या हो रहा है, तो हम लोग टेक्निकली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं हम लोग चार्ट में कि टारगेट क्या निकल कर रहा है स्टॉक का। जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग स्टॉक का टेक्निकल चार्ट में आ गए हैं। तो देखिए स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं 1-2-3 बार सपोर्ट लिया और अभी एक रेंज में एक बॉक्स के अंदर जो है स्टॉक अपना काम कर रहा है। तो देखिए बॉक्स का जैसे ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ही कुछ मतलब नया स्टॉक का मतलब टारगेट लिया जाएगा। अब देखिए स्टॉक यहाँ से निकला तो सपोर्ट, यहाँ से जैसे निकला यहाँ पे ऊपर में फिर अपना रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया ईएमए को, और जैसे ईएमए को यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया स्टॉक तो यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेके यहाँ पे क्या काम कर रहा है स्टॉक, थोड़ा सा ऊपर जाता है कहीं ना कहीं 2-4%, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर वैसे ही कंसोलिडेट करता है, फिर सपोर्ट लिया, फिर अभी आ रहा है। तो ये एक मतलब हो गया एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो है स्टॉक अपना यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखिए बॉक्स को अगर यहाँ पे अगर मार्केट में प्रेशर आता है, अगर ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक का बनेगा यहाँ पे आपका जो कि राउंड फिगर में बोले तो 260 का, जो कि ये लकीर है, ये हम लोग ट्रेंड लाइन बना दिए। पहला सपोर्ट ये है, इसको अगर ब्रेकडाउन करता है स्टॉक तो 260 का टारगेट आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे दिखा देगा स्टॉक, जो कि उम्मीद कम है क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेड है पूरा शेयर। और देखिए फंडामेंटल का बात करें तो शेयर का फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है और पी वगैरह भी लोग का देख लीजिएगा जो कि बहुत शानदार रहता है। तो ठीक है, देखिए शेयर अच्छा है क्योंकि देखिए कभी भी जो है ऑयल और नेचुरल गैस का डिमांड तो कम होगा नहीं, और जब डिमांड कम होगा नहीं शेयर आपका अब जो है नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि डिमांड हाई रहेगा तो शेयर कैसे आपका नीचे जाएगा। तो ये डिमांडिंग सेक्टर वाला जो है शेयर है, बिना ऑयल वगैरह का तो काम होगा नहीं, बिना नेचुरल गैस का। तो अभी देखिए टेक्निकली सपोर्ट तो हम लोग बात कर लिए कि अगर इसको ब्रेकडाउन देता है स्टॉक तो आपका जो है 260 तक आने के लिए रेडी हो जाएगा। अब देखिए बुलिश कब होगा, बुलिश देखिए ये एक बॉक्स में काम कर रहा है, जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट देके ये में ऊपर नहीं कैंडल बनाता है तब लोग तो हम यहाँ पे मतलब फ्रेश एंट्री के बारे में हम अभी मतलब थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जैसे मेरे को डबल कन्फर्मेशन मिलेगा उस कंडीशन में हम यहाँ पर फ्रेश एंट्री करेंगे। अगर जाएगा, अगर मान लीजिए जैसे बुलिश मतलब ट्रेंड बनकर ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट यहाँ पर देगा स्टॉक जो है कि है पहला टारगेट आप कितना आएगा 333, इसको जाएगा तो फिर हाई अपना जो है 350 का स्टॉक जो है तोड़ता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन हाँ, तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आगे Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है कंपनी का, तो उसको भी थोड़ा सा फोकस में रखिए। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया यहाँ पे तो रॉकेट यहीं से रॉकेट बन जाएगा आपका शेयर, और जो है 350 का टारगेट तो आसानी से दिखा देगा, ईजिली दिखा देगा अगर Q2 का रिजल्ट जो है यहाँ पे स्टॉक का बढ़िया रहता है तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है तो यहाँ से लेके कुछ मतलब ज़्यादा बनेगा नहीं आपका। अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, उस केस में 260 तक का आपका आ जाएगा शेयर का फिर। तो देखिए अभी कितना चल रहा है शेयर का प्राइस, 290। अगर 290 का शेयर आपको 260 में मिले तो आप ही का ना डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा, तो इसीलिए बोले थोड़ा सा वेट यहाँ पर वेट कर लीजिए। तो 260 पे आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो है फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा है, हम लोग को सस्ता में मिल जाएगा। और जो लोग देखिए ऊपर में बाइक के फंसे हुए हैं, देखिए शेयर बहुत अच्छा है, ऐसे घबराने का कुछ ज़रूरत है नहीं। आप वो गलत बात, वो बात अलग है कि आप यहाँ पर मतलब जो है ऊपर में बाइक कर लिए तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखना पड़ता है। अब देखिए स्टॉक जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसके बाद जो है आपको यहाँ पे बाइक करना था तो यहाँ पे स्टॉक का टारगेट मिल जाता। ठीक है, अभी भी स्टॉक जो है उससे कुछ ज़्यादा ख़राब है नहीं, बहुत बढ़िया अच्छा शेयर है, टाइटली होल्ड करिए इसको। जो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत है नहीं। और जो देखिए यहाँ पे ऊपर में फंसे हुए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, Q2 का रिजल्ट देख लीजिए, अगर रिजल्ट खराब आता है तो फिर यहाँ पे आप SL लगा के निकल सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आया तो कम से कम आपको यहाँ तक का CTC तो दे ही देगा कि स्टॉक निकालने के लिए। और इतना अच्छा शेयर को जो है आप बिना मतलब लॉस में तो मत बेचिए, CTC में निकालिए या तो प्रॉफिट में ही निकालिए।
ठीक है, अब लेने टाइम रहता है कि थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म सोच के लेते हैं, लेकिन जिस टाइम हम लोग का लॉस होता है तो उस टाइम हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाते हैं, वो सबके साथ होता है, कोई बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है और सेक्टर तो बहुत अच्छा है, बूमिंग सेक्टर है, गैस और नेचुरल ऑयल वगैरह का जो है डिमांड कभी कम होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करिए, आपको टारगेट अपना यहाँ पर स्टॉक दे देगा, और अगर नीचे आता है 260 में तो अच्छा है, यहाँ पर हम लोग और मोर एड करेंगे स्टॉक को, और अगर यहीं से बुलिश बनता है, ई एम आई कॉपर कैंडल बनाता है तो उस केस में हम लोग एंट्री ले लेंगे फ्रेश, और ये जो है आपको नेक्स्ट टारगेट जो है 350 का यहाँ पे देखेगा, उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर 400 तक भी स्टॉक जो है आने वाले दिनों में टारगेट दिखा सकता है। तो ये था ONGC के बारे में टोटल फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।